तो गाइज आज ही अपने पैसों को खर्च मत करो। हेलो गाइज, दिस इज मयंक कुमार बाजोरी और वेलकम आज के वीडियो में। जी हाँ, आपने सही देखा गाइज, 275 रुपये में आपको भी मिल सकती है आईफोन। मैं अपनी खुद की रियल लाइफ स्टोरी आपको बताऊंगा और डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको भी मिल सकती है आईफोन 275 रुपये में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो भी कर लो, क्योंकि काफी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आते रहते हैं। गाइज 2016 की बात है कि जब एप्पल अपनी आईफोन 7 फ्लैगशिप प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और 2018 में लॉन्च करता है आईफोन 10s। 2018 सितंबर में जब आईफोन 10s लॉन्च होती है तो आईफोन 7 की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, आईफोन 7 आना बंद हो जाती है। और तब मेरी कंपनी secondtech.com के पास आती है आईफोन 7 रीसेल के लिए, और तब मैं अपनी कंपनी से आईफोन 7 ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। और आज से 5 साल बाद आज भी मैं उस आईफोन को यूज़ कर रहा हूँ, और यही है वो आईफोन 7 गाइस। गाइस मेरे पास 3 आईफोन और भी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए सारे आईफोन ही यूज़ करता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस आईफोन 7 में भी काफ़ी सॉफ्टवेयर है जो मेरे आईफोन 14 प्रो में भी सपोर्ट करते हैं, और आज के दिन भी ये आईफोन हैंग नहीं होती है। हो सकता है कि आपकी एंड्रॉयड फ़ोन हैंग होती हो 2-3 साल के बाद, लेकिन ये आईफोन 5-6 साल पुरानी है और आज भी हैंग नहीं हो रही है। इसकी जो कैमरा की क्वालिटी गई, आपकी जो 10,000 की फ़ोन है, 15,000 की जो फ़ोन होती है उससे भी काफ़ी अच्छी है, और जो ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली एप्पल की, वो एक एड ऑन एडवांटेज है जो आपको मिलती है। तो गई इस आईफोन को जो मैं खरीदा था 5 साल पहले 16,500 में, अगर आप पर ईयर से डिवाइड करते हो तो हो जाती 3,300 रुपये, और पर मंथ से डिवाइड करते हो तो 275 रुपये हो जाती है मेरी इसकी कॉस्टिंग। और अगर मैं आज भी उसको सेल करता हूँ तो काफ़ी मैं जो मेरी जो कॉस्टिंग है वो मैं रिकवर कर पाऊँगा एक्चुअली, और अगर मैं उसको और यूज़ करता हूँ तब मैं उसकी जो मेरी जो कॉस्टिंग और कम होती रहेगी। तो गाइस मेरे बोलने का मतलब ये कि अपने पैसों को खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो। और ये जो है, ये अकाउंट्स में भले इसको एसेट बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली होती है लायबिलिटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो हर दिन कम होती रहती है। मैं इसे अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ और डेफिनेटली मैं इससे ज़्यादा वैल्यू डराइव कर लेता हूँ। मैं जो सेविंग्स जो करता हूँ इससे, वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ कहीं और। तो गाइस जब आप secondtech.com से एक स्मार्टफोन लेते हो, एक आईफोन लेते हो, सबसे अच्छी बात क्या है कि उसकी जो एग्जैक्ट कंडीशन उस पर्टिकुलर फ़ोन की जो आप लेने वाले हो, वो आपको देखने को मिल जाती है उसकी वेबसाइट में लाइव। एग्जैक्ट फोटोज़, एग्जैक्ट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी लेने से पहले, और उसके संग आपको मिलती है आपको सेल्स और सर्विस की सपोर्ट भी, और COD की ऑप्शन भी उस वेबसाइट में है। तो गाइज आज ही अपने पैसों को खर्च मत करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, पैसों को सेव करो, और secondtech.com से एक आईफोन लो, अपनी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाओ और फ़ोन की यूटिलिटी भी बढ़ाओ। तो secondtech.com से आईफोन लो, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।